दोस्तों स्वागत है आपका मेरे ही चैनल में। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा डबलिन, जहां हम देखेंगे विदेश में भक्ति कैसे होती है। साथ ही मैं आपको लेके जाऊंगा गोविंददास, जहां सात्विक लंच का मैं आनंद लूंगा। तो बिना किसी विलंब के व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से ड्रोन शॉट के साथ। Say hi to camera. Guard dog. She's very cute. Bye bye. Oh, hey, hey. Good time. Nice to meet you. Bye. Same here. तुम्हें देख के तो वो कुत्ता एकदम एक्साइटेड हो गया था, पूरा जंप करने लग गया था। हाँ, एक तो मैं कुत्तों से डर जाती हूँ, ऊपर से ऐसा जंप कर रहा था तो सच में मैं डर गई थी। मुझे तो लग रहा है वो डर गया होगा। तो ये जो बस है अभी 4 मिनट में इधर आने वाली है। जहाँ आयरलैंड में आपको 15 GB के 15 यूरो देने होते हैं, वहीं डबलिन बस की खास बात ये है कि यहाँ फ्री वाईफाई सर्विस है। थैंक यू। तो दोस्तों पहुंच गए हैं डबलिन शहर में और मेरे पीछे है सैमुअल बेकेट ब्रिज। ये डबलिन का एकदम लैंडमार्क ब्रिज है। अगर कोई शिप आएगा तो ये चेंज भी हो जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अब आगे चलेंगे और थोड़ा शहर को एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं मंदिर की तरफ। तुम आयरलैंड में मंदिर गई हो? मंदिर तो नहीं गई हूँ, लेकिन यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ तो है। कॉर्क और डबलिन में कुछ गणेश फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल्स ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया था इंडियन कम्युनिटी ने, तो फिर मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर पे तो हम लोग डेली पूजा वगैरह तो करते ही है, लेकिन मंदिर जाने में कुछ अलग ही फीलिंग आती है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती है। इतनी भीड़ मैंने डबलिन शहर में कभी नहीं देखी। एक तो आज वीकेंड है और उसके साथ प्यारी सी धूप, ये एकमात्र वजह हो सकती है। हमने अभी गोविंददास दिखाई दे रहा है। तो बस पहुंच चुके हैं मंजिल पे और गोविंददास अभी दिखने लग गया। पिछले टाइम हम लोग जब आए थे, तुम कॉर्क से आई थी तभी, तो गोविंददास बंद था कोविड के वजह से, लेकिन अभी खुला है शायद, तो लोग जा रहे हैं, देखा मैंने खुला है। तो ये है डबलिन का इस्कॉन मंदिर। बाहर से तो ये आपको नॉर्मल सी बिल्डिंग दिखाई देगी, लेकिन अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। इधर थोड़ा दरवाजे का कन्फ्यूजन है, लेफ्ट साइड का ना खोल कर सामने वाला दरवाजा खोले। भगवान के दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं गोविंददास में सात्विक लंच का लुफ्त उठाने। गोविंददास का मेनू देख के आपको लगेगा नहीं कि आप 7 समुंदर पार किसी देश में हैं। मतलब आयरिश पीपल भी आते हैं खाने,
और इंडियन पीपल्स भी आते हैं और लोग यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन और वेगन मिलता है और मोस्टली जितने भी आयरिश वेगन लोग हैं आयरिश पीपल है जो वेगन है और बाहर से जो भी आते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड ढूंढ रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इंडिया में कहाँ से हो गुजरात गुजरात वो भी भाई गुजरात से आप एमएस कर रहे हो इधर और इधर पार्ट टाइम इधर जो है वो पार्ट टाइम बेसिस में मतलब पेड होता है या वॉलंटरी सर्विस होती है या यहाँ पे रेस्टोरेंट में पेड होता है बट हम लोग एवरी संडे आते हैं सेवा के लिए सो इट्स अ सर्विस तो अच्छा तो संडे को आप सेवा के लिए आते हैं और ऐसा ये पेड सर्विस थोड़ा बहुत खर्चा पार्ट टाइम में निकलता है तो मिनिमम पे जो रहता है तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू शी इज रिकमेंडिंग फॉर यू स्मॉल यू कैन फर्स्ट टेक द लार्ज सो शी विल अंडरस्टैंड द क्वांटिटी ओके ओके या कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम या फर्स्ट टाइम सो मच डू यू थिंक यू कैन हैव दिस लार्ज प्लेट में 5 सब्जी आती है और राइस आती है एक्चुअली 3 आइटम्स आनी चाहिए 3 सब्जियां मिलनी चाहिए मुझे मेरी प्लेट में लेकिन उसने 5 सब्जियां दे दी तो इट्स लाइक अ लार्ज प्लेट ओनली फॉर मी इन स्मॉल क्वांटिटी लेट मी ट्राई हाउ इट इज एंड पहले गोभी से नहीं पहले पनीर से चालू करो खाना है वो काफ़ी लाजवाब है एक्चुअली इसे खाना तो बोलेंगे नहीं इसे बोलेंगे प्रसाद क्योंकि जो भी गोविंदास में होता है वो पहले जो भी फूड बनाया जाता है वो पीटीज को सर्व किया जाता है उसके बाद जो है वो आम लोगों को दिया जाता है मैं काफ़ी सारे गोविंदास में गया हूँ और हर जगह जो टेस्ट होता है वो बेहतरीन होता है इस्कॉन काफ़ी फ्री में मील्स देता है गरीबों को और नॉर्मल लोगों को कॉलेज स्टूडेंट्स को खासकर तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इधर आके आप पैसे खर्च भी करोगे तो एक मिशन में जाते हैं एक पब्लिक को सर्व करने के लिए जाते हैं व्हाट्स योर नेम बाय द वे आई एम जानवी आर यू स्टडीइंग और इट्स लाइक यू आर आई एम डन विद माय कोर्स एंड आई डू पार्ट टाइम जॉब हियर देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स व्हिच यूजुअली इस्कॉन डब्लिन रन्स ओके एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव जब्बा द ग्रुप जब्बा एंड आल्सो वी हैव कीर्तन ऑन फ्राइडेज आल्सो Friday evenings. That's Friday evening kirtan, which will be at 7 PM every Friday. Okay. And also today we don't have any harinam, but normally in the city center we have harinam every Saturday. Harinam means kirtan. Kirtan so in the city. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. जो है वो प्याज और लहसुन का भी उपयोग नहीं किया जाता है खाना बनाने के टाइम तो ये बुक उस पे है कि आप उसकी रेसिपीज़ कैसे बना सकते हैं जो कि सात्विक भोजन है तो इस्कॉन टेम्पल हरे कृष्णा मंदिर में जाके काफ़ी अच्छा लगा ऐसे लगा नहीं कि मैं अपने देश से ज़्यादा दूर हूँ एक घर वाली फीलिंग आई और आप देखिए बाहर के नज़ारे मंदिर पीछे है मेरे और आजू बाजू पब्स और क्लब से घिरा हुआ स्ट्रीट है और वहाँ के एडजेसेंट में ये मंदिर है
आप गूगल भी कर सकते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ब्लॉग है काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक और नए डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।